Speakeasy with me, Anushe. क्या हाल है आप लोगों के? आज मेरे पास मेरे साथ एक बहुत ही शानदार कलाकार, सुपरस्टार, पाकिस्तान की शान, हम सबकी आन और अपनी अम्मी की जान और अ पेन इन द टांग फॉर अ मदर नॉट फॉर अस, नताशा बेन. हेलो, व्हाट एन इंट्रो. पाकिस्तान की आन जान लेकिन माँ बाप के ना टांगों की, हाँ नहीं नहीं क्या पेन इन द टांग, पेन इन द टांग, पेन इन द टांग. आर यू अ पेन इन द टांग? इस वक्त तो मेरी पेन इन द टांग है क्योंकि ऐसा लेक्चर किया हुआ है मैंने कि बस मैं बता नहीं सकती. और मैं उनसे ये कह रही थी कि आई लव उनका जो सेलिब्रिटीनेस है वो इतना रियल है कि वो जिम से आई हैं, उन्होंने कहा चलो मैं थोड़ा सा लिपस्टिक लगाती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ. तो मैं कहा बस यही है, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है ना. बट लोग कमेंट करते हैं मेकअप नहीं किया, ये तो अजीब सी लग रही है. आपको तो नहीं कहते, आप तो माशाल्लाह यू आर हु यू आर एक्चुअली. एग्जैक्टली, मतलब तुम्हारा तो मतलब कि माशाल्लाह आई डोंट थिंक तुम्हें ट्रोल्स भी इतने हैं. नहीं है, मतलब थोड़े छोटे मोटे, मतलब इग्नोरेबल है, इग्नोरेबल है शायद अभी भी. अभी तक मैं बहुत ज्यादा अभी आई एम ऑन माय वे ना टू बिकमिंग अ लेजेंड, पता नहीं अल्लाह करे, बट मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से. बट आई डू नहीं, बिकॉज पीपल लाइक यू इज व्हाट आई से. अच्छा, बट आई थिंक या आई डू गेट अ लॉट ऑफ not a lot of but some of the trolls जो लोग चेहरों पर बात कर रहे होते हैं, क्योंकि लोग वैसे ही कंफ्यूज है कि मैं कहाँ से हूँ. तो लोग कहते हैं चाइनीज लग रही हो, ये लग रही हो, लग रही हो, ये बहुत आता है. जैसे कि कोई बुरी बात है वैसे. हाँ यार, मतलब अगर चाइनीज कोई लग भी रहा है तो मसला क्या है? मसला क्या है पता नहीं. बट दे थिंक दैट दे आर डिमीनिंग मी, बट इट डजंट मैटर. आई मीन क्यों भाई, उन्होंने अपनी शक्लें देखी हैं. अच्छा, किसी ने मुझे रिसेंटली, किसी ने मुझे रिसेंटली ये भी कहा था कि मैं इलॉन मस्क से मिलती हूँ और ये कमेंट्स बहुत आ रहे थे. अलमिया तो बोलो, अलमिया मेरे पैसे उसकी तरह मिला देना करे यार. और मैं गूगल खोल के उसको गौर से देख रही थी, इलॉन मस्क से मिला दी, उसको गौर से देख रही थी. मैंने बोला यार ऐसे जब मैं देख रही दिख रहा है इलॉन मस्क, अगले दिन तो मैं लिंक बना के बना देते हैं, पॉडकास्ट करते हैं आज हमारे साथ है इलॉन मस्क. बट वेल आई मीन इट्स ऑल द सेंट्रल एशियन लुक. लेकिन हाँ, इट्स वेरी नो उज़्बेक. हाँ, तो मैंने अपना वो कराया था ना डीएनए टेस्ट, सो आई गॉट माय डीएनए टेस्ट एंड आई वाज 63% सेंट्रल एशियन. तो जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, और तुम भी वहीं से हो. हाँ. नहीं, वहीं कहीं से, और इलॉन मस्क भी वहीं कहीं से. इलॉन मस्क, इसलिए हम सब इतने टैलेंटेड. मुझे किसी ने भी कहा था और हम इतने लेजेंडरी हैं अपने काम में. बस इलॉन मस्क हमसे थोड़ा आगे निकल गया, अमरीका में, हम पाकिस्तान में. हाँ, हमारी ग्रोथ रुकी हुई है. वैसे आजकल हालात, चलो ज़्यादा उससे बात नहीं करते, लेकिन हाउ आर यू कीपिंग अप विद द वे थिंग्स आर हैपनिंग इन द कंट्री? हाउ आर यू हैंडलिंग योर मेंटल हेल्थ? आई थिंक आई एम हैंडलिंग इट उसी तरह से कि बोलते ना कि अब तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिलीजियस होने की ज़रूरत है कि सब अल्लाह पे छोड़ दिया. वैसे हमेशा से ही अल्लाह पे ही छोड़ा हुआ चीज़ है, लेकिन जब आपको लगता है ना कि मतलब कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना उससे लड़ने का. तो पहले गुस्सा आता था, अब बंदा कितना गुस्सा करे. तो अब तो वो हो गया कि गुस्सा नहीं आता. और मैंने ताशा को गुस्सा देखा एक दफा स्टेज के पीछे. आई वाज एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू ब्रिंग दिस अप, लेकिन मजा आया, मुझे बहुत मजा आया. ताशा ने कहा मैं तो बताती हूं कौन वाला कोड़े दिल पड्डा पड्डा लेके बात कर रही यार. आई थिंक वो वाली टेंडेंसी अभी भी है गुस्से वाली. तो यार वो नॉर्थ ब्लड है ना, नॉर्थ ब्लड तो इस वजह से. आई थिंक अपना ख्याल भी रखना और स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ, क्योंकि हम या एंड आई हैव ऑलवेज बीन लाइक आई एम नॉट प्राउड ऑफ दिस बट एंग्री पर्सन, बट ये कि वो स्टैंड लेने वाला टाइम के साथ आया. हॉट यंग ब्लड जैसे कहते हैं ना, यंग ब्लड, एक हॉट हेडेड, एक जज्बाती पाकिस्तानी. जज्बाती, जज्बाती हूँ. हो तुम? हाँ हाँ हूँ जज्बाती. तुम्हारे जज्बात सारे सही कॉजेस के लिए खड़े होते हैं, एंड उसमें ह्यूमन राइट्स भी आ जाती है, उसमें एनिमल राइट्स भी आ जाती है, ह्यूमन राइट्स भी आ जाती है. तो उसके लिए तो जज्बाती होना जरूरी है. बिल्कुल, आप हमारी तरह हो जाते हैं और फिर आपका यही हाल होता है. यही हाल होता है, आप ना अपने लिए खड़े हो सकते हैं ना दूसरों के लिए खड़े हो. मसला ये कि लोगों को लग रहा होता है कि ये छोटी चीज है, पर छोटी चीज से ही वो चीज इतनी एग्रीगेट हो जाती है ना कि पता भी नहीं चलता. बिल्कुल, इट्स बेटर कि आप जहाँ फुल स्टॉप मारना है मारो और बता दो कि भाई देखो
ये सही नहीं है. Natasha, do you have any brothers? I have two brothers. Two brothers. तो बचपन में तुमसे बड़ा फट्टा होता था या अच्छा नहीं वो तो younger तुमसे छोटे younger है थे younger but एक मुझसे मतलब almost 2 साल छोटा है और दूसरा वाला 5 साल छोटा. ठीक है. और मेरा जो ये attitude है ना ये जो एक I think ये caretaker और ये दूसरा ये जो women rights वाला जो scene ये आया ही इसी वजह से है कि because I was brought up among my brothers ना. So initially I was actually observing this discrimination of a girl and a boy. So it was not like that I'm saying that my family was doing it, but वो इतना आपके अंदर ingrained हुआ हुआ होता है ना कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हो. तो फॉर सम और रीजन हालांकि हर कोई इस तरह नहीं सोचता लेकिन मेरे दिमाग में बचपन से ही एक कि मैं लड़की हूँ तो मुझे मेरे साथ हाँ मतलब कि मैं लड़की हूँ तो आप मुझे ऐसा बोलेंगे ये मेरा वहीं तभी से शुरू हो गया था. अच्छा. तो भाइयों को देख के मतलब अगर उनसे कुछ अगर उनको एक आलू अम्मी ज्यादा डाल देती थी तो तुम कहते थे कि नहीं जैसे कि मैं कहती थी कि मैं बर्तन क्यों उठाऊं. सही है. ये भी क्यों नहीं उठा रहे तो अम्मा तो, क्या कहते थे तो बट उसी वजह से ये हुआ यार. आई थिंक इनिशियली दे मस्ट हैव फेल्ट वियर्ड बट देन विद टाइम आई थिंक माई मॉम ऑल्सो फेल्ट दैट. एंड फिर बचपन से ही मेरे दोनों भाइयों एंड आई एम प्राउड ऑफ देम फॉर दिस कि वो अपना काम खुद करना जानते हैं. उनको अभी किसी को रिलाई करने की किचन में रहना ही जो लड़कियों को जो रोज अपने कपड़े अभी लोग मतलब ये ना मुझे स्कूल के टाइम से याद है कि वो बचपन से अपने कपड़े खुद इस्त्री करके मतलब तैयार होके खुद जाते थे. मम्मा को जागने की जरूरत नहीं पड़ती थी विच इज गुड. तो इनिशियली और ये मेरे घर में तो चलो शुक्र है ये चीज़ें बहुत जल्दी मध्य नजर आई. वरना मतलब हुंजा में मैंने देखा था कि बच्ची 7 साल की भी नहीं होती कि उसको चाय बनाना सिखा चुके होते हैं और वो सबको चाय सर्व कर रही हाँ, होती तो, है. कुछ माशरों में तो ऐसा था कि जब लड़कियां पैदा होती थी उसी बात उसकी बात पर क्यों जाती थी. हाँ कि ये पैदा हुई है 2 महीने की छोटी होती है वो ऑलरेडी उसके लिए ढूंढ लेते हैं कि किसके साथ इसका फ्यूचर होगा. इमेजिन उसका कोई से ही नहीं है. सो से ही नहीं है तो मतलब वो नहीं है कि मतलब आलसी होना चाहिए या काम नहीं करना चाहिए पर काम दोनों को आना चाहिए. बिल्कुल सही है. दोनों को करना चाहिए कि मतलब अगर बच्ची को सिखा रहे हो आप घर का काम तो लड़कों को भी सिखाओ. और एक, एक एक और माइंडसेट मुझे बहुत बुरा लगता है कि मतलब जब आप घर का काम लड़की को सिखा रहे होते हो बचपन से तो आप यही बोल के सिखाते हो उसको कि कल को किसी और के घर जाना है तुम्हें. कल को तुम आई हेट दिस अप्रोच. मतलब आप सिखाओ बिल्कुल सिखाओ मैं भी सीखने घर जा ही नहीं रही अपने घर में ही बैठी हूं. मतलब हां अपने घर बड़ा से बड़ा किए जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह यही करना है अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन ये जो एक जो एक ये जो तानेबाजी होती ना बचपन से लड़कियों को बताना कि तुम किसी और के घर हम तुम इसलिए सिखा रहे हैं कि कल को किसी और के घर जाओगे ये नहीं है. ये मेरी जिंदगी यूज़ टू वेक अप अ डॉटर सेइंग कि अपने माँ बाप के घर में तो देर तक सो लेती हो लेकिन कल जब शादी होगी तो वैसे सोने पे भी कोई आपको बताएगा कि बेटा मतलब इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग. इट इज हालांकि बहुत से लोग इस चीज को नजरअंदाज करके चिल लाइफ जीते हैं पर हम जैसे कि चीजें थोड़ी सी बदल रही हैं अब तो बदल रही हैं. अब एंड आई थिंक हिंसा में भी बदल रही होंगी. बिल्कुल बदल रही हैं. श्योर बहुत बदल गई हैं चीजें. लेकिन है तो डिस्क्रिमिनेशन पूरी दुनिया में औरतों के खिलाफ है और हमेशा रहेगी. हैविंग सेड दैट ये जो आपका एक स्ट्रगल है पाकिस्तान में अगेन मैंने सुना भी है तुमसे बात भी की इसके बारे में कि यू नो हुंजा में बड़ा होना फिर म्यूज़िक को चूज़ करना और किस तरीके से करना और फिर फैमिली में अपने स्ट्रगल्स होना आज तक तो अभी भी अगर तुम्हें कोई कुछ कहता है कि आप इस तरीके से बैठ जाएं ऐसे करें तो तुम्हें लगता है इट्स बिकॉज यू आर वुमन. अभी भी ट्रिगर हो जाता है. हाँ ट्रिगर अभी भी होता है. होता है बिल्कुल होता है. मुझे लगता है कि मेरे जेंडर की वजह से बहुत चीज़ें ट्रिगर हो रही होती हैं लेकिन फिर मुझे बार बार लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि आई एम नॉट जस्ट मेरली अ जेंडर आई एम अ ह्यूमन बीइंग. ऑफ कोर्स तो मुझे ये हर किसी को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि अगर आप कोई बाउंड्री सेट कर रहे हो तो वो सबके लिए करो सिर्फ इसलिए नहीं करो कि मैं लड़की हूँ. और ये बात मैं हर जगह बोल चुकी हूँ. वो याद होगा हम लोग वो स्पॉटिफाई वाला जो कर रहे थे जूम पे तब भी मैंने कहा था कि आई जस्ट हेट इट व्हेन पीपल ट्राई टू मेक माय बाउंड्रीज अकॉर्डिंग टू माय जेंडर बिकॉज आई डिडंट चूज टू बी अ गर्ल ना. आई वॉज बॉर्न मतलब अगर मैं लड़की पैदा हुई हूँ तो मतलब यानी कि मेरे ख्वाब आप मुझे बताओगे कि एज अ गर्ल इफ आई गिव यू अ चांस एंड से कि चलो Natasha आई एम गिव यू अनदर चांस टू कम इनटू दिस वर्ल्ड वुड यू चूज टू बी अ बॉय. सो देखो इसकी भी एक स्टोरी है कि बचपन में ना मुझे एक्चुअली अपने आप से बहुत अपने जेंडर से बचपन में नफरत थी कि मैं लड़की क्यों पैदा हुई. ठीक है बट विद टाइम जब मैं बड़ी हुई ना तो आई एम एक्चुअली ग्लैड दैट आई एम अ वुमन. ठीक है आई एम नाउ यू कैन फाइट फॉर द कॉज आई एम प्राउड टू बी अ वुमन. बट जैसे टाइम चल रहा है ना चाहे टाइम जितना भी वोक हो जाए मुझे लगता है बहुत सदियाँ चाहिए
माइंड पूरी तरह एक्सेप्टेंस लाने में। हेटिंग योर जेंडर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड बिकॉज़ इट वाज अ वेरी सॉर्ट ऑफ, तुम्हें लगा होगा कि व्हाई एम आई सो अनलकी बीइंग बोर्न अ गर्ल। हां ये होता था मुझे, बहुत होता था, लेकिन अब नहीं होता। वो शायद उस वो एज ऐसी थी और इमोशनल आप बहुत होते हो, बट वक्त के साथ देखते हो कि भाइयों को अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही हैं या कजिन्स को रोका नहीं जाता जब तुम्हें रोका जाता है। एंड इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द फैमिली, ठीक है, इट्स पूरा माशरा। पीपल डोंट गेट इट कि एक लड़की होना कितना मुश्किल है। ठीक है, जब मैं बताती हूँ मुझे क्यों बहुत नफरत आती है, जब लड़की नई नई बड़ी हो रही होती है तो उसकी बॉडी डेवलप हो रही होती है, ठीक है, मुझे वो वक्त बहुत बुरा लगता था मेरा, क्योंकि मुझे लगता था कि ओ माय गॉड लोग हरेस करेंगे, लोग ये करेंगे, और फौरन से वो शुरू हो जाता है कि इस तरीके से पहनो, इस तरीके से छुपाओ, इस तरीके से दिखाओ, कितना मसला, बहुत डिफिकल्ट है यार। मतलब लोगों को लगता है कि हम लोग बार बार अपने आप को विक्टिमाइज करते हैं। इट्स नॉट अबाउट विक्टिमाइजिंग योर ओन सेल्फ, इट्स जस्ट दैट टेलिंग पीपल के वट यू आर गोइंग थ्रू एंड दीज थिंग्स आर ट्रिगरिंग अदर स्टफ एंड विच इज मेकिंग यू दिस एंग्री विद टाइम, कि मतलब हमेशा मतलब मुझे ही कॉन्शियस रहना है मैं क्योंकि मैं लड़की हूँ, क्योंकि मैं लड़की हूँ। मुझे याद है कि मुझे बाजार जाके आई नीडेड टू गेट सैनिटरी नैपकिन्स, और मुझे याद है कि वो शॉपकीपर, मैं उठा के सिर्फ काउंटर पर रखा और शॉपकीपर मुझे देख के ऐसी शक्ल बनाई उसने कि तुम किस किस्म की औरत हो कि तुमने मेरे मुंह पर रख दिया, इसको बैग में डाले और कैरेक्टर में भी बात आ गई कि ये तो तेज औरतें तो ऐसी होती हैं, इस पैकेज रोके छुपी हुई है चीज, एंड इट्स अ वेरी रेगुलर प्रोसेस राइट। लेकिन उसको हमने इतना वो बड़ा इतना हवा बनाया, फिर मुझे वो हो गया कि मैं तो ऐसी ले जाऊंगी, मैं पैकेट में पैकेट में घुसाया जाएगा। You know, I'm not a drug dealer. मैं कोई चोरी नहीं करी, मैं कोई गलत काम नहीं करी, और लोग जाके फार्मेसी से हर किस्म की चीजें उठाते हैं। Exactly. ये तो एक बहुत ही रेगुलर एक प्रोसेस है। बट अगेन यू राइट, वो अपनी जेंडर की वजह से, और शर्म आती थी फिर। हाँ यार, बहुत बचपन में शर्म आती थी जाके, तो फिर कभी अम्मा से कह दिया तो कभी अबू से कह दिया कि आप लोग प्लीज उठा लें, बिकॉज मुझे ना लोग स्टेयर करते हैं जब मैं उठा रही होती हूँ अपने लिए। कैन यू इमेजिन लाइक किस लेवल तक आपको वो किया जाता है? और हमेशा अपने स्कूल में भी यू नो ऑन द डेज जब आपको आपके साइकिल्स होते हैं या जो भी, आप हमेशा चेक कर रहे होते थे कि लड़के मजाक तो नहीं उड़ा रहे, कोई कुछ देख तो नहीं रहा, किसको कैसे समझाऊं कि हो क्या रहा है। ना जैसे कि अब जाके मुझे वाकई में बुरा लगता है बिकॉज हमने इतनी सारी चीजें, बाजों का तो हम अपने बच्चों को बताते भी नहीं है कि आपकी बॉडी में क्या चेंज आने वाली है। बिल्कुल नहीं बताते, नहीं बताते। हालांकि और ये बायोलॉजी है, कोई गंद नहीं है, बायोलॉजी है मैन, मतलब हर कोई जान रहा है इसके बारे में, लाउड एड्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यू हैव टू लाइक कीप इट एज अ टैबू। इट्स जस्ट मुझे बस होता है कि व्हाई एम आई अपोलोजेटिक। कम्युनिटी सी यू टुडे एज अ वेरी सक्सेसफुल आर्टिस्ट एंड एवरीथिंग, एंड अब वो थोड़ी सी उनमें एक्सेप्टेंस आ गई, लेकिन अगर तुम इस सक्सेस के पाथ में नहीं गई होती तो ताने ही पड़ते आज तक। बिल्कुल, हमने तो यही कहा था, अब जब सक्सेस आ जाती है, बंदा सक्सेस बना लेता है थोड़ा बहुत, फिर एक्सेप्टेंस आती है। देखो इस मामले में तो ना हमारी सोसाइटी जो है ना वो शैलो है, ठीक है, और उसमें हम खुद भी अपना आपको शामिल कर देते हैं, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगी कि ओ आई एम, मैं तुम लोग से अलग हूँ, मेरा भी वही दिमाग है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो चीज़ सोसाइटी ने सेट की हुई है उससे थोड़ा अलग सोचा जाए, क्योंकि हम लोग ट्रेन हो गए ना, हम लोग उस तरह से प्रोग्राम हो गए, तो वो प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम है। तो हाँ, अगर मैंने ये शुरू किया था तो लोगों को प्रॉब्लम्स हुई थी, और अगर मैं इसमें, अगर अल्लाह ने जितनी इज्जत दी अगर उन्हें ना मिली होती ना, तो आज तो मैं बहुत ताने सुन रही होती कि हमने तो बोला था कि भाई ये देखो ऐसा होगा वैसा होगा। और सोचो ना, मतलब वो तो चलो मेरी तबीयत ऐसी है कि मैं एक तबीयत से मुराद, यानी कि माई हैबिट्स आर लाइक दीज, के थोड़ा सादा दिमाग है मेरा, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ ओवर ग्लैमरस भी नहीं कर रही, ठीक है, आई एम जस्ट अ वेरी नॉर्मल पर्सन इन द इंडस्ट्री। तो अगर मैं वो करूँ तो शायद उस पर लोग उंगलियाँ उठाएं। कल पता चला एक पोस्टर आ गया ना, नताशा बेगिन आइटम नंबर बहुत कुछ सोचा तो ये नहीं सोचा था। सो पीपल विल ट्राई टू पुट यू इन दैट बॉक्स, लोगों को तो मौका चाहिए। हालांकि मैं बहुत सी चीज़ें इसलिए नहीं कर रही कि मुझे लोगों का डर है, मेरी तबीयत डिफरेंट है जिसकी वजह से मैं ऐसी हूँ, लेकिन हाँ लोगों को मौका चाहिए। लेकिन दो तीन चीज़ें हैं जिनमें तुम्हारा प्रिंसिपल बहुत है माशाल्लाह, आई ऑलवेज अप्रिशिएटेड इज योर ऑनेस्टी, योर इंटेग्रिटी एंड योर ईमानदारी इन थिंग्स। या आई थिंक एवरीवन शुड बी लाइक दैट। मतलब मुझे होता है कि अगर कोई ऑनेस्ट है तो हम क्यों इतना हैरान होते हैं, बल्कि जो डिसऑनेस्ट है उससे हैरान होना चाहिए। लेकिन अब हम हैरान होते हैं कि यार, यही बात कर रहे थे, कोई कह रहा था तुम्हारा शाम मारता तो नहीं है, चलो शुक्र करो, यू लाइक यार सोचो मारता तो नहीं है तो मतलब कि बड़ा अच्छा आदमी बन गया। एग्जैक्टली, बल्कि अच्छा इंसान होना हमारे लिए नॉर्मल होना चाहिए, और बुरा इंसान होना हमारे लिए अजीब होना चाहिए। बट इट्स अदर वे अराउंड, मतलब दैट शुड बी नॉर्मल, बट नहीं है यहाँ पे, तो अजीब सा लगता है। खैर अल्लाह, तो फिर अच्छा कोई
लड़का मिला आपको? अच्छा अच्छा आदमी के बारे में, आदमी अच्छा कोई अंकल आदमी लड़का सेम आदमी लड़का छेला 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 होता है ना छेला 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 भी तो होता है छेला किसे कहते हैं पैसे छेला होता है छेला छेला ऐसे होता है छेला होता है पंजाबी छेला होता है छेला अच्छा लड़का आशिक 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 तो आशिक साउंड्स रियली वल्गर है ना आशिक साउंड्स सो डर्टी व्हेन इट्स जस्ट लव इट्स जस्ट लव यार ये लोगों ने बना दिया है ना जैसे मिरासी वर्ड बुरा थोड़ी है मिरासी थोड़ी है लेकिन लोगों ने बना दिया है आपको किसी ने कभी मिरासी कहा हां हर कोई मतलब लिख रहा होता है लिख के चला जाता है बट इट्स जस्ट मिरासी लोगों को मतलब ही नहीं पता कि मिरासी का मतलब होता है जो अपने खानदान की रिवायत को आगे लेके चल रहा है ठीक है तो मिरासी कोई भी है कोई लोहा बना रहा है तो अगर उसके खानदान वाले आगे जाके लोहा ही बना रहे हैं तो वो मिरासी है अगर मैं चार और मैं मिरासी नहीं हूं लेकिन तो जनरेशन ऑफ डॉक्टर हूं तो मैं मिरासी या फिर मिरासी है तुम तो मिरासी हो नहीं मैं नहीं हूं अम्मा तो गाना नहीं गाती एग्जैक्टली तुम तो सिंगर हो सो पीपल दे यू नो व्हाट बट पीपल डोंट डू देयर होमवर्क दे जस्ट say things just for the sake of उनकी भी अपनी frustration है frustration I guess और अब I mean आप younger generation तो most में ये लोग आप लोगों ने trolls को बहुत अच्छे से handle किया है क्योंकि आप लोगों की career भी एक ऐसे time पे निकली है जहाँ पे internet has gone mad yeah वहाँ पे हर किस्म की comments अपने खानदान के बारे में कभी कुछ पढ़ना पड़ता है कभी बालों के बारे में काश मैं उसी दौर में singer बनी होती जब जिस टाइम पे हम लोगों को टीवी पे देखते थे यार अब लेजेंड भी नहीं बनते इतनी आसानी नहीं बन सकते आज अपने रेडियो शो पे ये सवाल पूछ रही थी कि अब कोई माइकल जैक्सन क्यों नहीं बनता नहीं बन सकता क्या कर वो इसलिए नहीं बन सकता एज टैलेंटेड एंड एज गुड लेकिन क्यों नहीं बन सकता वो इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि देखो तो सोशल मीडिया जितना ब्लेसिंग है ना उतना हमारे लिए कर्स भी है क्योंकि ये तो इस पर भी ना बहुत बड़ी डिस्कशन हो सकती है पर मेरे दिमाग में जो पॉइंटर्स आ रहे हैं मैं वो बता रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जब हम बचपन में जब भी सेलिब्रिटीज को देखते थे तो हमारे लिए ऑल द टाइम अवेलेबल नहीं थे जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ठीक है बड़े पर्दे पर ठहरते थे आपको देखने के लिए मैं एग्जाम्पल देती हूँ जैसे मुझे लगता है कि जो एक फैंडमशिप जो मैं बचपन में लोगों की रखती थी ना आज मैं उतनी ज्यादा फैन किसी की नहीं हो सकती क्योंकि उनकी खबर मेरे पास पल पल की है ठीक है जैसे स्कूल के टाइम पे ना मैं हैरी पॉटर आई वाज अ फ्रीक फॉर हैरी पॉटर ठीक है तो जहाँ मुझे लाइब्रेरी में अगर कोई मैगजीन में कोई हैरी पॉटर डैनियल रैडक्लिफ की तस्वीर आ रही है तो मैं फाड़ के अपने पास डायरी में लगा रही हूँ अब वो सिस्टम ही चला रही है कमरे में शायद अफरीदी की और रॉजर फेडरर की पोस्टर्स भरी हुई होती थी और अब ऐसा टाइम आ गया कि हमारी इतनी तस्वीरें हमारे कमरों में हमने नताशा हमें दो ऐसे लोग अपनी तस्वीर लगाई के ऊपर हम अपना बेड के फूल भी चढ़ाते हैं वो हमें स्टोरीज के थ्रू देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं मैं रोज जिम जाती हूँ मालूम होगा मैं क्या खा रही हूँ मैं हाँ हर पॉडकास्ट में देख रहे हैं और मतलब ये है ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि मैं पिक्चर्स मेरी रोज अवेलेबल है तो वो चीज आप जितना अवेलेबल होगे ना उतना आपकी कदर नहीं होगी I get it. I get और फिर एक और प्रॉब्लम है अवेलेबल रहना मजबूरी है हाँ क्योंकि फिर आउट ऑफ माइंड हो जाता है आई चूज टू स्टे अवे फ्रॉम तो इफ आई हैड अ चॉइस आई वुड हाँ मैं आपको तो टिकटॉक भी देखती हूँ सोचे टिकटॉक भी यूज करना पड़ गया मुझे कोई बात नहीं पीटीएम भी टिकटॉक एग्जैक्टली मैंने टिकटॉक के लिए बहुत काम किया और मैंने देखा कि इवेंचुअली सबको आना पड़ता है बिकॉज दैट इज द नीड ऑल्सो और जो नहीं आए गुड फॉर देम और जो कोई कोई बहुत तुम एटलीस्ट शुक्र करो कि इस्तेमाल करना आता है क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी से मिली जो कहते हैं यार हम लोग सोशल मीडिया ऐसे नहीं इस्तेमाल कर सकते जैसे तुम लोग करते हो या तुम डीनो करते हो और तुम लोग शुक्र करो क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है ऑडियंस के साथ और हम चाहते हैं कि हमारी भी तस्वीरें लगें हम भी अपनी वीडियोज बनाएं लेकिन हमसे हो ही नहीं पाती क्योंकि वी डोंट नो हाउ टू और प्रॉब्लम ये भी कि आपको जमाने के साथ चलना भी जरूरी है वरना देखो अगर आप शाहरुख खान हो तो जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप मतलब लेकिन ऑब्वियसली व्हेन यू आर बडिंग एंड व्हेन यू वांट टू लाइक मेक अ नेम आउट ऑफ योरसेल्फ तो फिर मतलब भाई बहुत जरूरी है डू यू थिंक दैट योर करियर हैज गॉन अप बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया बिकॉज व्हेन यू ऑल स्टार्टेड योर करियर तुम हो गई और अब जो और भी नए हैं जो आपके हसन रहीम का इतना सक्सेस देख रहे हो yeah. आपके गिलगित से ही है बल्तिस्तान से ये तमाम चीजें तो ये तो इंटरनेट के थ्रू ही हुआ यार क्योंकि एक जमाने में हमें याद है कि अगर हम आतिफ असलम को एयर टाइम नहीं देते अगर मेरे बॉस तो नहीं देते उनकी yeah. मर्जी होती थी वो अपने चैनल पे क्या चला एंड इट वाज अनफेयर क्योंकि बहुत सारे लोग आके दरवाजे के बाहर पूरे पूरे दिन अभी सीडी लेके बैठे होते थे ये मैंने you know? सुना है तो वहां पे आप नाजिया हसन तो बन जाते थे लेकिन नाजिया हसन बनने के लिए आपको बहुत एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता था अब अपने घर में म्यूजिक बनाते हो आपकी फैन फॉलोइंग आई टॉक्ड अबाउट द कॉन्स तो देयर आर प्रोज आल्सो ठीक है अब प्रोज में यही है कि अब जो टैलेंट है ना वो किसी का मोहताज नहीं है बल्कि वो अब जितना कंसिस्टेंट रहेगा सोशल मीडिया में टिकटॉक का मोहताज वो लोगों को अपना मोहताज बना सकता है जो लोग पहले चांस नहीं देते थे
आज वो लोग उसके मोहताज बन जाएंगे क्योंकि दे हैव फॉलोवर्स, दे हैव व्यूअर्स, नंबर ऑफ फॉलोवर्स. वो कोई एक्सेप्ट टेलीविजन पे अब वो गुंडागर्दी या नहीं है या मोनोपोली नहीं है, नहीं है वो वाली नहीं है सी और किसके साथ आपको पीआर बनानी चाहिए. एंड दैट इज व्हेन वुमेन वर हैरास्ड इन आवर बिजनेस अ लॉट, यू नो. कास्टिंग काउच भी बहुत रेयर चीज होती थी जहाँ पे औरतों का, मर्दों का भी, मॉडल्स में मॉडल उनका बड़ा फायदा उठाया गया है, उनको बहुत अजीब गरीब चीजें करने को कहा गया है टू गेट द रोल इन द मूवी. अब आपकी सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी से ही आपको काम मिल जाता है और ये, लेकिन फिर उसके लिए आपको बहुत वनरेबल होना पड़ता है, बहुत, और बहुत. सारा टाइम अवेलेबल होना पड़ता है और फिर आपकी जिंदगी एक हद तक. हाँ, जैसे मैं भी ना उतनी मैं तेजी से नहीं सोशल मीडिया यूज कर सकती. ठीक है जी. हाँ, सो वेयर डिड द लव फॉर एनिमल्स कम इन? आई थिंक इट, एक तो शायद आई थिंक यू डोंट चूज टू बिकम एन एनिमल लवर, आपके अंदर पहले से होता है. ठीक है, होता है बस. इफ आई हैड अ चॉइस, मैं अपना आपको एनिमल लवर नहीं बनाती क्योंकि जितनी तकलीफ होती है ना, जिस तकलीफ से हम गुजर रहे होते हैं, तो इट्स अ कर्स. पीपल से इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी, इट्स अ कर्स बिकॉज आई जस्ट, I don't know. I just get very emotional. ठीक है, उनको देख के तकलीफ. But I think I am an animal lover because of my mother. Because my mom is like that. बचपन से, I mean she's still like that. मतलब अब तो वो वाला सीन है कि हमेशा से उन्होंने ही, मैंने देखा उनको जानवरों के लिए मतलब पागल होते हुए और जानवरों के साथ प्यार करते हुए. तो वो अपने भी किस्से बताती हैं बचपन की, क्योंकि माई नानी इज़ नॉट एन एनिमल लवर, सो हाउ शी स्ट्रगल्ड थ्रू दैट टाइम एंड माई नाना वॉज. तो उस तरह से मतलब वो बता रही होती है डीएनए में है, डीएनए में है, क्योंकि मेरे नाना तो एक टाइम पे उनके पास, वो उनके पास भी बहुत कुत्ते रह चुके हैं. देन ही हैज, ही आल्सो हैड अ बंदर apparently. या ही हैड अ मंकी, पता नहीं वो कहाँ से आया था. तो वो उसके भी किस्से बताते हैं. क्या था यार, आई थिंक दे डिड नॉट, मुझे लगता है ये हुंजा में ना एक अच्छे बाद नाम देने वाला, पहले शायद नहीं था मिस्टर बंदर. हाँ, ये नया ट्रेंड है आजकल. किसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, उस टाइम पे नहीं था शायद, उसको बंदर ही बुलाते होंगे. दैट्स आल्सो वेरी ट्रू. तो नताशा, यू वर्क इन विद अ लॉट ऑफ मेन एवरी डे. एवरी डे तुम्हारे बैंड में दे मैन, योर मैनेजर, योर फ्रेंड्स, मीडिया, टेलीविजन. इफ अ वुमन नीड्स टू गेट आउट एंड वर्क इन एन एनवायरमेंट विद मैन, how does she maintain her dignity, self-respect, be a professional, but get the job done? Because this is something women struggle with a lot. I think जो औरत है ना, उसको खुद अपने स्किन में कंफर्टेबल रहने की ज़रूरत है. मैं ये अपना बता रही हूँ कि मैंने किस तरह डील किया. पहली बात, I grew up hating men, but then when in life, when I started meeting men as friends, as work buddies, I was like, नहीं यार नताशा गलत है. ये जेंडर बायसनेस मत करो, देयर आर गुड मेन, सारे मर्द एक जैसे होते हैं. तो ये था मेरा, लेकिन फिर वो बदला उन्हीं लोगों ने जिनके साथ मैं भी काम कर रही हूँ. क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक पीपल माइट नॉट बी एज लकी एज मी इस मामले में, कि आई हैव गॉटन ओनली गुड पीपल इन माई लाइफ. और जहाँ तक वो बात है कि मीटिंग दोज मैन वाइल वर्किंग, जो हु माइट बी मैनिपुलेटिव, हु माइट बी, यू नो, तुम्हारे बारे में कुछ कह दिया, रेपुटेशन के बारे में, बिकॉज़ वुमेन इन मीडिया, I mean, I know that we've spoken about this a lot, that, you know, your father was very uncertain when you started. Yeah. And he was also obviously uncertain also because he probably knew ki it comes with a lot of baggage. Reputational baggage. बिल्कुल. क्योंकि जो बाप और भाई होते हैं ना, वो खुद क्योंकि आदमी होते हैं, तो उनको शायद पता होता है कि आदमी की खसलत क्या है, तो इसीलिए वो ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे होते हैं. बट द थिंग इज के मीडिया की औरतें, यस, फिर जब मीडिया आ जाए, और जब मीडिया आ जाए, मीडिया का लेबल आ जाए, हालांकि मीडिया वालों में और नॉर्मल लोगों में कोई फर्क नहीं है. ठीक है, मैं अक्सर ये लोगों की औरतें ज्यादा एम्पावर्ड होती हैं क्योंकि वो वैसे ही आपके सामने होती हैं. या तो वो अगर उनको कोई हरास भी करे तो वही बात करती हैं सबसे पहले. एग्जैक्टली. और नहीं, ये जो जो ये जो चीजें लोग बात कर रहे होते हैं ना मीडिया के बारे में, कि मीडिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हर काम के शोबे में हो रहा है. इट्स जस्ट दैट कि मीडिया इज लाइक आउट देयर, मतलब हैरेसमेंट वगैरह, तो ये होता सब है. आपको मीडिया में इसलिए दिख रहा है कि हमारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, वरना तो पता नहीं अस्पतालों में या दूसरे दफ्तरों में ये क्या चीजें नहीं हो रही होंगी. हाँ, बिल्कुल. हर इंसान तो इंसान है. हाँ. उस शोबे से थोड़ी इंसान बनता है, इंसान से फितरत तो फितरत है. लेकिन इस प्रोफेशन को बहुत बुरी चीजों से भी लिंक किया गया था हमारे मुल्क में, द लैक ऑफ रिस्पेक्ट. हाँ, मीडिया में होगी तो ऐसी होगी. या मीडिया में होता है कि इट्स ऑल इन हियर. कि एक तो मुझे नहीं समझ आता कि हेटरेट किस बात की है हर चीज़ को लेकर, और स्पेशली मीडिया को लेकर. क्योंकि मुझे अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि दूसरों पे उंगली उठाने वाले आप क्यों हो?
जैसा आपने मुझसे पूछा ना कि हाउ आई हैव टैकल्ड विद वर्किंग इन एन एनवायरनमेंट वेयर देयर आर ओनली मेन, बिकॉज आई हैव सीन दैट व्हेन अ वुमन इज वेरी कॉन्फिडेंट इन हर ओन स्किन एंड और अगर मेरी जैसी कोई लड़ाका किस्म की है तो लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, इंटिमिडेट हो जाते हैं. यू लाइक इंटिमिडेटिंग? यू वांट द, यू वांट टू कीप दैट? आई नेवर प्लान्ड दैट, बट इट हैपेंड विद टाइम एज अ डिफेंस मैकेनिज्म. ठीक है, तो अब जो मेरी पर्सनैलिटी जो बन गई है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा लूजन अप हो जाऊँ, कि मैं अपने आप को थोड़ा सा, इतना भी नहीं लोगों को डराना, लेकिन मुझे लगता है कि विद टाइम नहीं डराना, कि दूल्हा ना मिले, विद टाइम दूल्हा भी भाग गया यार. मतलब हम लोग हाँ थोड़ा सा टेंशन ले लेते, बट एज इज जस्ट अ नंबर. ये कौन टेंशन है हमारी औरतों की? हाँ, ये भी अलग. हम लोग को चाइना में ना, जिस बेसिकली आई एम कमिंग डाउन टू के यू नो रोमांस. ये रोमांस नहीं है लाइफ में, अपनी तस्वीर. हाँ, अपनी तस्वीर के पीछे किसकी तस्वीर है? पता है, आई विश होता, लेकिन असल में मैं एक ऐसा कॉज लेके निकली थी ना अपने दिमाग में कि अगर मैंने रोमांस को टाइम दिया होता ना, मेरा कॉज पूरा नहीं होता और लोग मेरे उस रोमांस को मुद्दा बनाते, ये तो ये करने गई थी. हाँ, आपने तो म्यूजिक बोला था, ये तो मुका में करने चले, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हो. सो आई एक्चुअली अपने मां बाप को ये जरूर प्रूफ कर दिया कि मैं एक आर्टिस्ट. मैंने हाँ मौसी की करने, क्योंकि मुझे रोमांस और ये जिंदगी नहीं जीनी थी. मेरा जो गोल और विजन था ना, उस चीज को पक्का करने के लिए ना, मुझे अपने कोई भी लूज एंड नहीं छोड़ने थे, कोई लूप होल नहीं छोड़ना था जिससे पीपल कैन टेयर मी डाउन. कोई लड़का था जो निकल गया? कभी कभी तुम सोचते हो कि यार काश मुझे होता है, मैं बचपन से सुपरफिशियल थी हर चीज में. पैसा चाहिए तो तुम्हें? नहीं नहीं, नॉट अबाउट मनी, कि ना मुझे बचपन से ना, मैं हमेशा जो शादी का सोचती थी ना, कोई मेरा सेलिब्रिटी क्रश ही होता था. सो आई हैव ऑलवेज हैड दोस लाइक लार्जर देन लाइफ क्रशेस. आज भी अगर कोई सेलिब्रिटी अगर मिल जाए शादी के लिए तो कोरियन से मोर देन वेलकम. कोरिया से? कोरिया, ये तुम वो डील हो, ये कोरिया का क्या प्यार है? हो गया है यार, क्या करें. मुझे सिर्फ खुशी इस बात की, क्योंकि एक जमाने में गुड लुकिंग सिर्फ हम गोरे और ब्लॉन्ड को समझते थे, लेकिन अब कितना अच्छा है ना, कितनी सारी लड़कियां कोरियन चाहिए. पहले मुझे होता था कि ना ये मतलब ऑब्वियसली ब्लॉन्ड ब्लू आइड ब्लॉन्ड डैनियल रेडक्लिफ वाज माय क्रश. ठीक है, डैनियल रेडक्लिफ, आई वाज क्रेजी. मतलब अभी भी मेरे स्कूल की लड़कियों से पूछो ना, तो उनको, मैं उन सबको था कि ये उसी से शादी करेगी. ठीक है, वो वाला सीधा. बट अब मेरी, अब मुझे अंग्रेज समझ ही नहीं आते, अब तो मुझे कोरियन चाहिए. अब मुझे सिर्फ कोरियन समझ आते हैं, हालांकि उनके वो असली थोड़ी होते हैं, वो सर्जरी करवाते हैं. कोई बात नहीं, लेकिन चलता है. अच्छी तो सर्जरी है या, लेकिन अच्छी अगर दांखों को अच्छी लगे तो सर्जरी करवाए. वर्क डन इट्स परफेक्ट है ना, मतलब हलाल है भाई मेरे हिसाब से. अच्छा काम करते हैं. यहाँ पे एक जमाना था जब लड़के कहते हैं हमें नेचुरल लड़कियां चाहिए, यहाँ पे लड़कियां कह रही कोई बात नहीं, लड़के ने भी. आई डोंट माइंड व्हेन गाइस व्हेन दे डू मेकअप, यू नो, यू आर अ न्यू जनरेशन एम्पावर्ड इंडिविजुअल. अब मैंने वो कुछ हैरी स्टाइल के पिक्चर्स देखे थे, ही वाज इन द कवर ऑफ वोग मैगजीन, ही वाज वेयरिंग अ ड्रेस एंड नेल पॉलिश. तो मैंने अपने अम्मा अब्बा को कहा कि मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है, मैं वही कह रही हूं, व्हाट जस्ट टू से ही इज लुकिंग वेरी हॉट. माय मदर सेड बट ही इज वेयरिंग अ ड्रेस, सो आई लाइक बट ही इज कैरिंग इट एज अ लाइक अ मैन, बट ही इज नॉट. दिस इज व्हाट was going to say, his nail color or his piercings are not feminine. Ke, what attracts me now is in a man, jab ye ke uski mardangi ko koi fark nahi padna, usne agar nail polish laga liya na aur usko fark nahi pad raha, that will attract me. अपनी मर्दानगी को लेके वो लोग मुझे बहुत टर्न ऑफ करते हैं कि यार मतलब आप अपनी स्किन में ही मतलब वो नहीं हो. तो मैंने ये देखा था जब BTS के जंगकुक को द बेस्ट लुकिंग मैन ऑफ द ईयर वोट किया गया था, तो किसी पाकिस्तानी पब्लिकेशन ने लिखा था कि ये बहुत ही गुड लुकिंग आदमी है एंड दिस इज हाउ ही इज बीन रेटेड. तो नीचे लोगों ने लिखा अच्छा अब ये लिप ग्लॉस वाले लड़कों को सबसे गुड लुकिंग देखना पड़ेगा, अब वो बताएंगे कि मर्दानगी क्या है, ये मर्द मर्द है, ये मर्द के लायक हो तो सबसे गुड लुकिंग मर्द हो. और मुझे इतना बुरा लग रहा था ना, क्या दुनिया का पैलेट खुल गया है, लोग दूसरों की एस्थेटिक्स को समझना शुरू कर गए और इनकी मर्दानगी को आगे पीछे क्या हर चीज में. देखो वो मेकअप कुछ भी कर रहे हो वो, बट स्टिल दे आर मैनली. ठीक है, वही तो आइडेंटिफाई है यार, एंड दे आर मैनली. क्योंकि पता क्या, कोरियन ड्रामे देखने से पहले मुझे भी होता था कि यार आई थिंक दिस गाइज आर वेरी फेमिनिन, बट व्हेन आई स्टार्टेड वॉचिंग दीज शोज ना,
कि दे वर्क ऑन देयर हेयर, दे वर्क ऑन देयर लुक्स, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, व्हिच इज कंप्लीटली फाइन. बट डूड, आई मीन देयर एटीट्यूड एज अ मैन इज लाइक 100% like they're amazing. मतलब they're very comfortable. Natasha Beck के top 3 Korean dramas कौन से हैं मुझे बताएं. यार बहुत हैं यार. मैंने वो देखा था Crash Landing in You. उनका romance जो था ना वो शाहरुख खान और काजोल के romance से भी अच्छा. वो थोड़े से मुझे लगते हैं Bollywood inspired. मुझे लगता है कोरिया. उसकी गोद में गिर गई आसमान से. हाँ. अच्छा बहुत गिरी थी और उसकी गोद में गिरी थी. बहुत superficial चीजें होती हैं. लाइक डीनो मुझे ऐसे ड्रामास के देखने को कह रहा है. पता चला डीनो नहीं आधा पाकिस्तान देख रहा है. हाँ. देखो मैं बताती हूँ उसकी भी. देखे हम क्यों देखते हैं. मैं बता रही हूँ कि देखो लाइफ में वैसे ही इतनी रियलिटी अगली रियलिटी देख देख के ना अगर आपको रिडिक्यूलस चीज देखनी हो ना आपकी गोद में हां तो उसको एस्केप करने के लिए ना आपको. हालांकि मैं भी कह रही हूं तो यार ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता. और मुझे कितनी बार रोना आया देख रियल लाइफ में नहीं होता. कब होगा मेरे साथ भी. बट आई लव गॉब्लिन यार. यू नीड टू वॉच गॉब्लिन. ओके गॉब्लिन है. और मैंने वो देखी थी स्क्विड गेम्स. मैं वो वाले बताना चाह रही हूँ जो लोगों ने ना देखी. तो कास्ट भी कर देंगे. पता है मैं कोरियन सीख रही हूँ. कोरियन सीख रही हो. पूरी दुनिया अब तो किया. I don't want to brag but now I can kind of read Korean. The characters. वहाँ से जाओ ना. वहाँ से दूर आ रहा हूँ. मैं कोरियन शादी में बैठ गई हूँ. I want to go to Korean wedding. हमने गोरों की शादी देखी. चर्च चले गए हम. हिंदू पाकिस्तानी शादी. अच्छा तो एक और चीज बताती हूँ. मुझे I would love it अगर मुझे उनके ड्रामों में कोई छोटा भी रोल मिल जाए. क्योंकि पता है क्या है उनके जो साइड रोल्स भी होते हैं ना वो इतने इम्पैक्टफुल होते हैं यार कि उनका कैरेक्टर बिल्डअप ऐसा होता है कि आपकी सोच है. वो साइड कैरेक्टर सिर्फ साइड कैरेक्टर नहीं होते. यहाँ पे साइड कैरेक्टर्स मुझे तंग करते हैं. नहीं तंग भी इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी पॉपुलैरिटी पे कास्ट हो जाते हैं. लेकिन कास्टिंग बहुत गलत होती है मुझे लगता है पाकिस्तान में. क्योंकि वो 5 million फॉलोअर्स पे कास्ट हो जाते हैं. बट यू आर लाइक दिस पर्सन डज नॉट सूट दिस रोल. हैव यू एवर थॉट अबाउट एक्टिंग. यार आई थिंक आई वुड हैव. और मतलब क्योंकि मुझे शुरू से तो था कि मुझे मतलब जब मैं सिंगर नहीं बन रही थी ऐसे जब मेरे दिमाग में था कि मैं सिंगर नहीं होंगी. दिल में आर्टिस्ट थी. क्योंकि अचानक से पता चला ना कि मैं गा सकती हूँ. लेकिन इस एबिलिटी से पहले बाथरूम में हाँ मतलब लोगों ने बोला था जब मैं थोड़ा बहुत गुनगुनाती थी तो इस एबिलिटी से पहले तो मैं मतलब मैं अपने घर में किस तरह सबको एंटरटेन करती थी. आई यूज टू डांस अलॉट. लाइक मेरा फेवरेट काम पता है क्या होता था. मैं स्कूल से आती थी और मुँह धो के खाना खा के गाने लगा के शीशे में देख के या तो मैं लिपसिंग कर रही होती थी. अगर रोने वाला गाना है तो मैं रोती थी और डांस बहुत करती थी शीशे में. मुझे सारे डांसेस याद थे. मुझे टॉप 10 आता था जी टीवी का. होता था टॉप 10 चार्ट्स उसमें अक्षय कुमार तू चीज बड़ी. और याद है अक्षय कुमार वो एक जो लिफ्ट भी करता था लड़कियों पे उस टाइम पे. वो मैं अपने भाई पे सब ट्राई कर चुकी हूँ छोटे वाले पे. उसको मैं हर सारी लिफ्ट क्योंकि वो छोटा था तो उसको लड़की बनाती थी और सारे लिफ्ट करती थी उसके साथ. तो बहुत मैंने इस तरह की चीजें बहुत की. तो मुझे लगता था कि शायद एक्टिंग फिर हुई नहीं. यार एक्टिंग इसलिए नहीं हुई कि मुझे ना इनिशियली मेरे सिंगिंग करियर में ना हो रहा था इस तरह की चीज़ें ऑफर हो रही थी. लेकिन फिर मैं उस कॉन्फ्लिक्ट में थी कि अगर मैं एक्टिंग में चली गई ना तो मेरा म्यूजिक पीछे रह जाएगा. और अगर मेरा वाइल एक्टिंग म्यूजिक आया तो फिर लोगों के लिए ना मुझे ऑडियंस को कन्फ्यूज नहीं करना था कि ये तो एक्टर थी अब सिंगर हो गई. एक तो ये आता है ना बहुत. तो इसीलिए ना फिर मैं आई गेव अप ऑन इट कि जब भी मेरे पास कोई किसी चीज की ऑफर आती थी क्योंकि मैं बहुत जाती थी ऑडिशन में. बट इन द फ्यूचर डू यू थिंक इफ यू गेट अ गुड ऑफर. आई थिंक ना अब तो अगर अब तो तुम इतनी एस्टैब्लिश्ड एक सिंगर भी बन गई हो. आई थिंक आई विल नॉट से नो बट देन द रोल हैज टू बी गुड. आजकल रोल्स यार आई स्टिल गेट वरीड व्हेन आई सी कि पाकिस्तान में वायरल क्या हो रहा है. तो मैं वही कह रही हूँ कि अब अगर मैंने एक्टिंग करनी है तो सिर्फ कोरिया में करनी. कोरिया वाले बस बुला ले. लोग हॉलीवुड जा रहे हैं यार. बट हमने मुझे अभी ब्रेक भी इंटरनेट इन कोरिया. व्हाई नॉट. सो यार एक गुलाब भी तुम्हें मिले वहीं से. बट यार दे राइट गुड स्टोरीज एज अ फिल्म मेकर. आई एम सेइंग द स्क्रीन ट्रीटमेंट इज वेरी गुड. सम कोलैबोरेशंस फॉर श्योर. Yeah, I would love to. I just don't know what are the portals because we don't have any proper here. बोलते ना कि music labels. बट ये labels का काम होता है. ये कुछ जो international collaborations होते हैं. But I don't know. You might get lucky or something like that. So what do you think the next step is going to be? There's so many musicians, artists that are moving to Dubai. They're moving to Saudi Arabia. Yeah. Middle East बहुत लोग जा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके लिए फिर ये collaborations. India के साथ जो ताल्लुकात हैं क्योंकि यहाँ पे रह के तो ये सारी चीजें हो ही नहीं पा रही. अगर हमने अगर आर्टिस्ट की कोलैबोरेशन करनी है तो दुबई एक न्यूट्रल ग्राउंड बन जाता है जहाँ पे हमें एक्सेस हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड से लेकर सबसे हो जाती है. सो आर देयर एनी प्लान्स ऑफ यू एवर. आई मीन आई वुड लव टू.
क्योंकि मैं भी अब ये सोच रही हूँ कि ऑब्वियसली मुझे भी अपना ग्राफ ले जाना है, उसको मतलब बढ़ाना है. ऑलरेडी कोविड ने बहुत टाइम वेस्ट किया है, ठीक है. फिर कोविड के बाद फिर आपके हालात जो है ना, पॉलिटिकल इश्यूज में प्रॉब्लम. एक तो मुझे पॉलिटिकल इश्यूज का प्रॉब्लम, जो मुझे प्रॉब्लम है ना उनसे, वो ये है कि they are in crisis, so we are in crisis. But when we are in crisis, they are not in crisis. समझ रहे हैं? तो it's not, it's the relationship is not give and take. It's just take. So whenever they are there, there's this tension political. तो सबके काम रुक जाते हैं, which should not be the case. Entertainment is completely a different business. तो मुझे हमारे मुल्क के डायनेमिक्स तो याद नहीं होगा. मुझे याद है, तुम तो बहुत छोटी होगी उस वक्त, कि जब जुनून के कॉन्सर्ट्स, जब कॉन्सर्ट्स बैन हो गए थे, तो मतलब कि कुछ 5-7 साल कॉन्सर्ट्स ही थे पाकिस्तान में. कैन यू इमेजिन, दैट्स सच अ बिग थिंग टू डिप्राइव ऑडियंसेस फ्रॉम, आर्टिस्ट्स फ्रॉम. एग्जैक्टली. एंड देन आर्टिस्ट हैव दिस शेल्फ लाइफ आल्सो ना, कि मतलब वो कब तक वेट करेगा और अपनी एक प्राइम टाइम को वो लूज करेगा. फिर जब हालात कब बेहतर होंगे, तो हाँ मतलब इवन आई वुड लव टू लाइक go to Dubai, because मुझे लगता है कि दुबई इज़ अ मिडिल ग्राउंड, ए न्यूट्रल ग्राउंड, जहाँ पे यू हैव अ बिगर ग्राफ, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत है. पाकिस्तान में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, सॉरी टू से, ठीक है. मतलब यार बड़े से बड़ा आर्टिस्ट, हाँ, बिल्कुल, मतलब मुझे डिप्रेशन इस बात की होती है कि यार एक्ट्रेस लाइक माहिरा खान, ठीक है, वो मतलब शाहरुख खान के साथ काम करके आई है, ठीक है. जब वो पाकिस्तान आई और जब इंडिया बंद हो गया, अगर इंडिया बंद नहीं होता ना, तो शी कुड हैव लाइक गॉन क्रेजी भी, मतलब बोलते हैं ना, वो एक फेम ग्राफ उनका, और अभी भी माशाल्लाह शी इज रियली फेमस. बट मैं बता रही हूँ कि लिमिटेशन कि अभी भी उनको इवेंचुअली फिर ड्रामों में आना पड़ जाता है. उनको मतलब यानी कि कोई ग्राफ है ही नहीं ना यार. फिर आतिफ असलम आल्सो, ही हैड टू आल्सो कम बैक टू ड्रामास. ही इज लाइक द शाहरुख ऑफ आवर कंट्री मेरे हिसाब से ना. ही इज लाइक रियली बिगर स्टार. पर मैं इन लोगों के ये, बट द प्रॉब्लम इज दैट हमारी अपनी इंडस्ट्री को हमने इतना बड़ा नहीं बनाया. सो वी ऑलवेज डिपेंडेंट कि ओ माहिरा या फवाज है, वो इंडिया गए थे. वी नेवर से कि अरे ये पाकिस्तान आए थे, या पाकिस्तान की इतनी एबिलिटी हो कि वो अपने स्टार्स को कोरिया की तरह एक्सपोर्ट कर सके. यहाँ पे कोरिया तरह कर सके, टर्किश हो गया, कोरिया हो गया. ये लोगों ने अपने एंटरटेनमेंट साइड की वजह से अपने आप को, अपने कंट्री कल्चर, अपना पूरा कंट्री कल्चर दिखा जाने चाहिए. मैं इतने लोगों को जानती हूँ जो मुझे कहते हैं वी वांट टू गो टू कोरिया. देखो ना क्यों, बिकॉज ऑफ द टर्किश ड्रामास आए थे, तो लोगों के इंटीरियर घर के बदल गए थे. टर्की की टूरिज्म, आपको पता है क्या हो गई, तो आपको पता है ना कि जब एंटरटेनमेंट जब रूल करती है तो क्या होता है. आप हीरो हो जाते हो पूरी दुनिया में. तो कंट्रीज, मुझे लगता है कि पॉलिटिशियन से ज्यादा, सॉरी टू से, जो बेस्ट फेसेस है वो स्पोर्ट्स है और ये आपके आर्टिस्ट है, क्योंकि वही आपके जो जो अट्रैक्ट करता है ना लोगों को, वो यही लोग करते हैं. पॉलिटिशियंस आर द वर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एनी कंट्री. दे आर द वर्स्ट. एंड द प्रॉब्लम इज दैट वी somehow are helpless. We are helpless. हाँ, मैं भी वही सोच रही होती हूँ कि वही अगेन फिर डायरेक्टली अल्लाह से, अल्लाह आप एडवाइस फॉर द यूथ. एडवाइस फॉर द यूथ नहीं, मतलब कि एनीथिंग यू'd लाइक टू से टू ऑल दीस पीपल. एंड इन टर्म्स ऑफ योर ओन म्यूजिक, यू नो वी सॉ यू एट टाइम्स स्क्वायर, स्पॉटिफाई, बिग बिलबोर्ड, नताशा बेग, इट वाज सच अ मोमेंट ऑफ प्राइड. मैंने डिनो ने हम सबने शेयर किया था, मैंने बोला यार हम पूरी जिंदगी यहाँ पे जाके मैंने दुनिया भर के स्टार्स को देखा है और मैं नताशा को देख रही हूँ. इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्रेट प्राइड. या इवन आई नेवर थॉट कि इतनी बड़ी चीज हो सकती है. एंड ह्यूज शाउट आउट टू स्पॉटिफाई मैन. तो इस तरह के जब इंटरनेशनल चीजें जब आपके मुल्क में आती है ना, तो चीजें कितना स्कोप है, बस अगर हमारा सहारा होता हमारा मुल्क. और वैसे भी देखो ना, अब ग्लोबल विलेज हो गया है ना, तो जरूरत है यार, अब तो जरूरत है. हम नॉर्थ कोरिया नहीं बन सकते जो दुनिया से कटे हुए, हमें साउथ कोरिया बनना. प्रोग्रेस की जरूरत है. और जहाँ तक हमारे यूथ की बात है, मुझे लग रहा है कि यूथ है ना, बल्कि मुझे उनकी एडवाइस की जरूरत है, उनको मेरी एडवाइस की जरूरत है, वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो गए. आई थिंक दे नीड टू फाइंड अ कॉज एंड दे नीड टू स्टिक टू इट एंड दे नीड टू कम टुगेदर. आई थिंक इट्स नाउ इज अ ग्रेट टाइम कि आप भूल जाए कि आप पठान हैं या आप हुंजा से हैं या आप कराची से हैं या आप शिया हैं या सुन्नी हैं. आपके ये सेकेंडरी थर्डरी होगी, फोर्थरी होगी, क्योंकि इट्स मैटर ऑफ जस्ट कमिंग डाउन एज पाकिस्तानीज एंड डिमांडिंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी स्कैटर्ड. And we are going to stand together as one force. और फिर ही कुछ हम stability अपने. Because enough is enough. हम लोग बचपन से एक ही तरह के हालात देख रहे हैं. तो I think now things need to change. दो तीन साल अच्छा देखते हैं, फिर बेहस भी हो जाते हैं.
फिर यू नो वही होता है कि भूल भी जाते हैं फिर निकल जाता है। मुझे लगता है मैं जानबूझ के एक लूप में डाला गया। क्योंकि मतलब देन आई हैव टू ब्रदर्स और फिर वो अपनी जिंदगी में बिजी और मुझे है कि मतलब अगेन मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मैं लड़की हूँ लेकिन लड़कियों के अंदर अपने माँ बाप का एहसास थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लड़कों के अंदर भी होता है लेकिन वो थोड़ा बहुत कभी कभार एक्सेप्शनल केस निकल आता है। बट आई थिंक विद टाइम ऑल्सो मैंने देखा है कि अम्माएँ जो है ना अगर बचपन में लड़कियों से ज़्यादा अपनी बेटियों से अटैच ना हो बड़ी होके हो जाती हैं, तो क्योंकि वो एक फैक्टर आता है समझ में भी लगे हैं तुम्हारी चॉइसेस भी बेटर स्ट्रगल्स वगैरह, तो इसलिए आई एम क्लोज टू हर एंड आई जस्ट आई थिंक शी नोज दिस दैट आई वॉन्ट टू लाइक यू नो बी हर बिगेस्ट सपोर्ट एंड आई वॉन्ट हर टू बी माई बिगेस्ट सपोर्ट। बोला कि बेटा मैं किसी पाकिस्तानी से शादी करनी पड़ेगी, किससे करूंगी शादीशुदा भी हो बेशक बट हु इज द काइंड ऑफ मैन, बहुत सोचना पड़ रहा है पता नहीं। हेलो नहीं है यार, नहीं है कोई एक पाकिस्तानी आदमी नहीं है क्या करें यार, दिल का क्या करें, दिल को कैसे समझे क्या करें, दिल पाकिस्तान के लड़के में नहीं हम लोग बहुत वाना भी हो गए किसने रोका है, मैं ख्वाब भी ना देखूं ठीक है, बस खुश रहे इंसान, बस खुश रहना है भाई, सिंगल इज फाइन टू, आई थिंक ये मैसेज होना चाहिए आज का, सिंगल गर्ल वर्किंग, मैं वही तभी तो मुझे लगता है कि मेरा काम माशाल्लाह इतना अच्छे पेस में चल रहा है, मुझे लगता है कि मैं किसी को अपनी लाइफ में लाती हूँ, मुझे इतना एक होता है देखो बैगेज सबका, उसके साथ अम्मा भी आती हैं, अब्बा भी आते हैं, मेरा भी बैगेज होगा, उसका भी बैगेज होगा, हाँ ना यार मतलब एक तो मुझे एंड आई ऑल्सो चोज टू बी लाइक दिस बिकॉज मुझे दूसरे पर भी रहम आ रहा था कि यार मैं किसी और की जिंदगी क्यों पीसूं इस चक्कर में कि मेरा एक गोल है मुझे चलना है तो मैं किसी का टाइम क्यों वेस्ट करूं। हाँ स्वीट, लेकिन प्यार सबकी चाह होती है, जरूरत होती है होती तो है पर क्या करें यार, चूज करना, कुर्बानी देनी पड़ी, अल्लाह इसका अजर दे बस। थैंक यू सो मच गाइस, बेल रिंग इट, रिंग इट यार, रिंग इट, रिंग इट, रिंग इट, रिंग इट, बेल बजाएं, सब्सक्राइब बजाते रहें, ऐसे बजाएं जैसे कि हम बचपन में अपने नेबर्स के बजा के भाग जाते थे, वैसे बजाएं, बजा के भाग जाएं, बजा के फिर भाग जाएं, नहीं सब्सक्राइब करें, बजाएं, लाइक करें, कमेंट करें, अगर आप चाहते हैं कि नताशा दोबारा और हम कुछ कोरियन लड़कों के पिक्चर्स वगैरह दिखाएं आपको, डिस्कस करें उनकी लुक, उनकी सर्जरीज, तो अब तो इट्स फेयर प्ले ना, पॉडकास्ट एंड यूट्यूब वगैरह, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट इंक्लूडिंग जस्ट टॉक अबाउट कोरियन बॉयज, I love that. Us, एक घंटा मैं बार बार आ सकती हूँ इसके लिए। अरे ये तुसी दिखा के, ये क्यों इसके चेहरे में क्या है जो डीनो के चेहरे में नहीं है, डीनो भी अपने आपको कोरियन बुलाता है लगता है, वो भी सॉरी डीनो नहीं, वो भी कोरियन बीवी ढूंढ रहा है, He's like, बस अब मैं शादी करूंगा तो कोरियन बीवी, तुम वहां नताशा चलो एक साथ कर लेना, वो पाकिस्तानी वाला करना, दो बट्टा सट्टा करेंगे, दो स्टेज, भाई बहन और मैं गेस्ट, गेस्ट आई हैव गॉट द होल प्लान रेडी, सिर्फ दूल्हा और दुल्हन का इंतजार है, तो अगर आपको किसी का पता है मैं जरूर बताइएगा, ब्लेस यू, यू टू मैन, थैंक यू, गाते रहो।
थैंक यू, आप भी. ठीक है, ऑलराइट गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम. कैसे करती हो तुम डॉगीज को देखने से? डॉगीज मैं डॉगी डॉगीज गुडनेस व्हाट आई एम डूइंग.